प्रत्याशी की बात करें, और देखिए इस बीच खबर आ गई है कि रुपौली उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है, गिनती के लिए ईवीएम जो है वो खुल चुके हैं, क्योंकि 8 बज चुका है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है आज। बीमा भारती और कलाधर मंडल में यहां पर टक्कर माना जा रहा है। वहीं शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो भी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो आज काउंटिंग की बारी, कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार प्रवीण, काउंटिंग शुरू हो गई है, अपडेट क्या है? जी राहुल, मैं बता दूं कि पूर्णिया कॉलेज में मतगणना का काम शुरू हो गया है। जो प्रक्रिया होती है ईवीएम को बजगड़ी से काउंटिंग स्थल पर ले जाने की, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट खोला जा रहा है, इसके बाद कुछ देर में मतगणना का कार्य शुरू होगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद फिर ईवीएम से गिनती होगी। और कुल 28 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें कि 2 हॉल है। पहली बार एक विधानसभा के लिए 2 हॉल में काउंटिंग हो रही है, 28 टेबल बनाए गए हैं, करीब 12 राउंड में गिनती होगी। और यहां का जो मुख्य मुकाबला है, राजद प्रत्याशी बीमा भारती, जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और पूर्व विधायक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, जो पहले लोजपा से विधायक भी रह चुके हैं और इस बार टिकट नहीं मिलने के कारण वह निर्दलीय खड़ा हुए हैं, और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इन तीनों के बीच कड़ी मुकाबला है। बहरहाल देखना है कि आगे फैसला क्या आता है। लेकिन यहाँ पर अगर मतगणना की बात करें तो मतगणना केंद्र पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। यहाँ अर्धसैनिक बल के अलावे जिला पुलिस बल और महिला पुलिस सभी को सुरक्षा में लगाया गया है। बगैर पास के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा है। कुमार प्रवीण, नजर आप बनाए रखिए इस पूरी काउंटिंग पर, अपडेट आगे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।